ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. أما بعد، आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत। कोई भी शख्स जो है वो शहादतें यानी दो गवाहियां दिए बगैर दीन में दाखिल नहीं हो सकता। जैसे सूरह नूर की आयत नंबर 62 में आता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। दो शहादतें क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने क्या हैं? कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, सच्चा माबूद कोई नहीं। वह बिन मुनब्बा रहिमुल्लाह से पूछा गया, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं। अगर तुम ऐसी चाबी लाओ जिसके दंदाने हो तो वो तुम्हारे लिए खोलेगी वगरना नहीं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के लिए कुछ शरायत के साथ जन्नत की चाबी बनता है, यानी जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है कुछ शरायत के साथ जन्नत की चाबी बनता है। शरायत क्या है? पहली शर्त यह है इल्म। ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने का इल्म होना, यानी यह कलमा कैसे गैरुल्लाह से उलूहियत की नफी करता है और अल्लाह ताला के लिए साबित करता है। ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के। तो उलूहियत को हमने एक लेक्चर में देखा था जब हमने अस्मा सिफात पे बात की थी, तो तौहीद पे सॉरी बात की थी, उसमें हमने तौहीद रुबूबियत को भी देखा, उलूहियत को और अस्मा सिफात को। तो तौहीद उलूहियत को तौहीद इबादत भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इबादत और बंदगी का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तमाम कौली अमली जाहरी बातनी तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए खालिस करना जो है वो उलूहियत है। अल्लाह ताला के अलावा हर चीज से इबादत की नफी करना, ख्वा वो फरिश्ते हों अल्लाह ताला के रसूल ही क्यों ना, हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है। तो ये कामिल बुलंद मुकाम ये है कि बंदा अमली तौर पर यह साबित करे कि उसकी बंदगी की तमाम सूरतें अल्लाह के लिए है। यानी ऐसा ना हो कि जुबान से तो हम इकरार कर रहे हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर तरह की इबादत अल्लाह के लिए है, लेकिन अमली तौर पर हम कहीं कमी कर रहे हैं, दूसरों को भी शरीक ठहरा रहे हैं। जैसे सूरह इनाम की आयत नंबर 162 और 163 में आता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया था, कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, ला शरीक लह, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ। इसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूँ। तो पहली शर्त क्या है? इल्म है। इस बात का इल्म कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, उलूहियत की गैरुल्लाह से उलूहियत की नफी करना। दूसरी चीज है यकीन। ला इलाहा इल्लल्लाह पर दिल से यकीन रखना, क्योंकि ये कलमा शकों को शुभात तरद्दुद और तोहमात को कबूल नहीं करता। कोई शक ना हो हमें इस बात पे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। तीसरी चीज है कबूल, तीसरी शर्त, इस कलमे के तकाजों को जाहरी और बातरी तौर पर कबूल करना, क्योंकि कबूल ना करने वाला काफिर है। फिर है चौथी शर्त इनकियाद। इनकियाद का मतलब है फेल से इतबा करना, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होना और उसके मना करदा कामों से रुक जाना। पांचवी शर्त है सिदक।
ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार में इंसान इतना सच्चा हो कि उसकी सदाकत झूठ और निफाक के मुनाफी हो। छठी शर्त है इखलास। अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से अल्लाह ताला की रजा का इरादा हो। इखलास पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी डिटेल से बात की थी कि इखलास क्या होता है। खालिस अल्लाह की रजा के लिए अमल करना। सातवीं शर्त है अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत। रब से मोहब्बत की ये अलामत है कि बंदा अल्लाह ताला की महबूब चीज़ों को तरजीह दे अगरचे वो इसकी ख्वाहिश के खिलाफ हो। यानी अगर हम कहते हैं हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो फिर हमें अल्लाह ताला की महबूब चीज़ें जो अल्लाह ताला की बताई गई चीज़ें हैं महबूब हैं अल्लाह को पसंद हैं हम उन्हें अपना लें उन आमाल को अपना लें जो अल्लाह को पसंद है अगरचे वो हमारे नफ्स के खिलाफ हो या हमें अच्छे ना लगते हो। मोहब्बत ये है कि अल्लाह की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बना लें। जैसे कि हदीस बहुत प्यारी आती है कलीमतान हबीबतान इलर्रहमान तकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाही लाज़ीम। दो कलमात अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन वजन में बहुत भारी हैं। और वो क्या है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाही लाज़ीम। तो ये दो कलमात अल्लाह को बहुत पसंद है हम भी इन्हें पसंदीदा बना लें इन्हें पढ़ते रहा करें सिर्फ इसलिए कि हमारे अल्लाह को पसंद है। और भी ऐसे बहुत से अमाल हैं जिनके बारे में आता है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा अमाल हैं अल्लाह को पसंद है तौहीद सबसे पहली चीज़ है उसमें। और इसी का तकाजा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। जैसे कुरान में आता है कि हम अल्लाह की जो है वो इतबा करें अल्लाह के रसूल की इतबा करें तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें तो फिर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। तो उनकी इतबा करेंगे उनकी सीरत को अपनाया जाएगा तो फिर हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का भी ये दावा है कि हम फिर उनको पढ़ें उनके मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगियों को डालें। अब देखिए किसी से मोहब्बत जो है ना उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम उसके बारे में जानते ना हो उसके करीब ना हो उसके सही गलत उसके पसंदीदा नापसंदीदा मामलात को ना जानते हो। तो अगर हम कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर ये देखना होगा हम उनके बारे में जानते कितना है। नहीं जानते तो फिर सीरत की कुतुब को पढ़ें खुद भी और बच्चों को सुनाएं। पहले आप जानते हैं कि पहली माएँ जो हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी जिसमें अल्लाह की बातें होती अल्लाह के रसूल के किस्से होते जिनकी वजह से बच्चों के अंदर भी ईमान आता और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दाखिल की जाती। लेकिन आज ये नहीं होता। आज हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं वो सिर्फ कार्टून देखते हैं और वक्त आया करते हैं और फिर हम उम्मीद रखें कि वो हदायत पर आ जाए और अल्लाह अल्लाह के रसूल की इतबा करने वाले हों तो फिर कोशिश तो हमने की नहीं। तो देखना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं उनके दिलों में किस चीज़ की मोहब्बत दाखिल कर रहे हैं। वो जो कार्टून में देखते हैं वही फिर रियल लाइफ में भी करते हैं। अल्लाह ताला से मदद की बजाय अगर वो कार्टून देख रहे हैं मोटू पतलू तो वो आप खेलते हुए भी वो मोटू को बुला रहे होंगे मदद के लिए या जो भी कार्टून है जिसमें जो उसका हेड बनाया गया होता है मदद के लिए जिसको सब पुकार रहे होते हैं तो बच्चे भी फिर उसी तरह से पुकारते हैं। तो इस तरह से बच्चों का अकीदा खराब होता है उन्हें लगता है शायद यही सब कुछ है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो है वो फिर बच्चे नहीं सीख पाते। तो बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है हमें बच्चों की माइंड सेटिंग के लिए। आठवीं शर्त है अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनका कुफर करना यानी उनका इनकार करें हम। ये नहीं है कि हम बस खामोश रहें कि अब कोई करता तो कर ही जाए हमें क्या ये नहीं बल्कि जो गलत है उसको हम गलत कहें इतना हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही का क्या मतलब है तो मतलब है कि जुबान से इकरार के साथ जुबान से हम इकरार कर रहे हैं ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं हम तो जुबान से इकरार के साथ दिल की गहराइयों से भी तस्दीक करना हमारा दिल भी इस बात पर ईमान लाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। आपने सुनी होगी अक्सर नाते जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से भी ऊपर दर्जा दे दिया जाता है नाउज़ुबिल्लाह। तो रसूल अल्लाह ने खुद भी अपना तारुफ यही करवाया मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ मुझे इससे ऊपर ना ले जाया जाए।
यहाँ पे इस चीज की, इस बात का जो है वो इकरार करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि जिन्नों और इंसानों के लिए भी रसूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हम देखते हैं सूरह जिन में तذکرہ आता है कि जिन्नों की जमात जो वहाँ पर ईमान लाई थी, और वो आप को एक बार अपने पास भी लेगी कुछ मामला के बारे में दरियाफ्त करने के लिए, यानी दीन सीखने के लिए। उसके बाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी और मुस्तकबिल के हालात और वाकयात के बारे में जो खबरें दी हैं सबकी तस्दीक करना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के वही के जरिए से हम तक जो खबरें पहुंचाई हैं वो सच्ची हैं। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर को हलाल किया उन्हें हलाल समझे, और जिन्हें हराम किया उन्हें हम भी हराम समझे, और उसी तरह से हलाल और हराम का ध्यान रखें उसके इस्तेमाल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनकी अताअत करें, और जिनसे मना किया है उससे बाज रहना। ये शरायत में आता है, ये इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस गवाही का मतलब कि फिर हमें ये अमाल करने होंगे। चौथा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना। तो अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानते हैं तो फिर हमें जो है वो उनकी इतबा करनी होगी, उनकी बात को सुनना होगा, समझना होगा। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह जिंदगी गुजार के गए, उनकी भी हमारी तरह जरूरियात थी, सोना जागना, खुशी गमी में शरीक होना, अपनी जरूरियात को पूरा करना, खाना पीना, यानी सब चीजें। लेकिन इसमें अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमल कैसे किया करते थे, फिर हर हर अमल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, तो हम भी उन दुआओं को याद करें और हर मौके पर सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करें। अब देखें हम रोजाना खाते हैं तो खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, दाएं हाथ से खाएं, प्लेट के आगे से खाएं, ये सुन्नत तरीका था ना रसूल अल्लाह का। फिर खाना खाने से पहले जो है वो दुआ पढ़ें तो समझे हमने अपनी जरूरत भी पूरी कर ली और सुन्नत को भी पूरा कर लिया, तो उस पर अजर भी मिलेगा। इख्तिताम पर जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और फिर इसी तरह से आप देखें बुलंदी पर चढ़ते उतरते हुए हमें सिखाई गई अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, उस दिन में कितनी बार हम सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तो उसको फॉलो किया जाए, दायां पांव पहले रखा जाए और अल्लाहु अकबर कहा जाए, फिर उतरते हुए सुभान अल्लाह कहा जाए, और फिर इसी तरह से सोने के अज़कार जो हैं, सोने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, दाएं हाथ को सरहाना बना लेना, दाएं करवट पर लेटना। और हज़रत आयशा कहती हैं कि आप उस वक्त तक सोते ना थे जब तक सूरत मुल्क और सूरत सजदा की तिलावत नहीं कर लेते थे। फिर रात के अस्कार में पता चलता है कि आप सूरत अल-बकरा के आखिरी दो आयात की तिलावत किया करते थे, आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे, मुआवज़ातैन पढ़ के हाथों पे फूंक मारते और जिस्म पे फेर लेते, इससे हिफाजत होती, और सोने की दुआ पढ़ा करते। तो यही सब चीजों को हम भी फॉलो करें तो इससे क्या होगा, सुन्नत को अप्लाई करके जब हम सोएंगे तो हमारा सोना भी इबादत में कंसिडर होगा, अजर का बायस होगा, बनिस्बत इसके कि हम ऐसे ही लेटे हैं और कुछ पढ़े बगैर सो जाएं, तो हिफाजत भी नहीं होगी और बुरे ख्वाब भी आते हैं और परेशानी भी होती है, और नींद तो पूरी हो जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। फिर सोकर उठने की दुआ, दिन का आगाज है वो अल्लाह के नाम से किया जाए, तो एक सुबह सुबह मैसेज इंसान अपने आप को दे देता है कि अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है सुबह की दुआ में, यही मैसेज है सुबह उठने की दुआ में। फिर आप देखें कि वॉशरूम आना जाना, वॉशरूम जाने की दुआ, वापस आने की दुआ, जाते हुए जो है वो उल्टा पाँव रखा जाए, बाहर आए तो दायां पाँव पहले रखें, फिर वजू जो है वो सुन्नत के मुताबिक किया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के आगाज किया जाए, वजू के बाद की दुआ पढ़ी जाए। कितनी तरीके हैं, मतलब वही जिंदगी है जो हम भी गुजार रहे हैं। अब देखिए पानी पीते हैं तो पानी पीने की सुन्नतों को फॉलो कर लिया जाए, पानी से जिसके कि हम जल्दी से गिलास में डालें और एक ही सांस में पी जाए, उस वक्त हम थोड़ा सा ध्यान करें और हम कहें कि नहीं मुझे सुन्नत को फॉलो करना है, हम बैठेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तीन सांस में पियेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अब देखिए पानी पीने पे कितना अजर मिल गया। तो ये बहुत मामूली से छोटे छोटे से काम है जो हम सबके इल्म में है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा उसे दोहराने की जरूरत है और अपने आप को मैसेज देने की जरूरत है कि मुझे इन सुन्नतों को फॉलो करना है। और फिर ये बच्चों को भी सिखाएं, जब आप बच्चों को सिखाएंगे बहुत जगह पे बच्चे आपको सिखाएंगे कि हमें ऐसे करना था, यहाँ तो रसूल अल्लाह का तरीका कार तो ये था, हमें तो ऐसे करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को बाकायदा एक क्लास की सूरत में बिठाएं फिर उन्हें सुन्नतें सिखाएं, बच्चों को चलते फिरते चीजें सिखाई जाती हैं, उठते बैठते सिखाई जाती हैं, जब वो खेलने के मूड में होते हैं तब चीजें सीख रहे होते हैं, जब वो आपसे खाना खा पी रहे होते हैं तब उन्हें बताया जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था,
इस तरह से बच्चों को भी याद रहता है और वो फॉलो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए उनकी जिंदगी में जो सुन्नत को जरूर लेकर आए और अपनी जिंदगी में भी लेकर आए। फिर इसी तरह से खुशियों में शरीक होना, गम में शरीक होना, ये एक मुसलमान का मुसलमान पे हक भी है। और उसको फिर हम रस्मन ना करें कि वो भी मेरे फला पोती पे आई थी तो मुझे भी जाना होगा, अच्छा जब मैं बीमार हुई थी वो आई थी तो मैं भी, वो बीमार है तो अब मैं भी जाती हूँ, इस तरह से नहीं। बल्कि हम ये समझे सुन्नत है, मुसलमान का मुसलमान पे हक है, इस पे अजर है, तो इसलिए मैं ये अमल कर रही हूँ। तो वो अमल जो है वो 22 अजर हो जाएगा, अल्लाह की रजा भी उससे हासिल होगी और ये इस बात का सबूत हो गया कि आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। हदीस में आता है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, कितना आसान तरीका है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मुकाम हासिल करने का। आपने फरमा दिया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, हम सिर्फ जुबान से कहते रहे कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हम उनकी सुन्नत को अमल पे अमल नहीं करें तो मतलब ये झूठे दावे हैं हमारे। हमारा अमल बताए कि हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सुन्नत से मोहब्बत यही है कि हम सुन्नत को अपनी जिंदगी में ले आए। तो जिसने सुन्नत से मोहब्बत की उसने क्या किया, उसने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की, और जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता है वो जन्नत में उनके साथ होगा। सुभान अल्लाह। और फिर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को दिल से तस्लीम करना और ये अकीदा रखना कि आपकी अतात अल्लाह की अतात और आपकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। मुनाफिक लोग क्या किया करते थे, जब उन्हें लगता था कि अब फैसला नबी सल्लम हमारे हक में करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मसला ले जाते, और जब उन्हें लगता है कि अब ये हमारे हक में फैसला नहीं होने वाला तो तब जो है वो अपने सरदारों के पास ले जाते। तो यहाँ पे इस चीज की वजाहत कर दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को तस्लीम करना है दिल से, और ये अकीदा रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं अल्लाह की अतात है, आपकी नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक वापस नहीं बुलाया जब तक उन्होंने दीन को मुकम्मल तौर पर पहुंचा नहीं दिया और दीन की तकमील कर दी। तो इस बात पे भी हमें यकीन होना चाहिए कि दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमी नहीं की अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाने में, आप हर चीज पहुँचा गए हम तक। और आज ये फितनों का दौर है ना, तो आपको तीसरी अगर चीज पता चलती है कि ये ऐसे करना चाहिए, ये अमल जो है करने से ये होता है, जैसे आज ही एक मेरे सामने एक मैसेज आया उसमें लिखा हुआ था सहाबा जिन्होंने बदर में शिरकत की थी उनके बारे में लिखा हुआ कि जो इन सहाबा के नामों को तो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। तो इस तरह की बातें जो हैं खुद से बना के पेश कर दी जाती हैं, अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। आप देखें सहाबा की जिंदगी असल चीज है हमारे लिए, हम उनकी जिंदगियों को पढ़ें, वो कैसे जिंदगी गुजार के गए, उनकी रसूल अल्लाह से क्या मोहब्बत थी, वो अल्लाह के साथ कैसे करते थे, उसके बजाय क्या बना दिया कि सहाबा के नाम लिए जाए और उसके बाद दुआ की जाए तो दुआ कबूल होगी। वो सारे तरीके छोड़ दिए जो अल्लाह के रसूल ने बताए थे दुआ कबूल करने के। तो ऐसे जब काम सामने आए ना तो उस वक्त देखा करें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार से मिलता है या नहीं, आप में आप जो हमें दीन दे के गए हैं उसमें ये बात है या नहीं, दीन मुकम्मल हो चुका। ऐसा नहीं है कि रसूल अल्लाह ने कोई बात पहुंचाई नहीं और आज के बुजुर्ग जब वो हमें बताएंगे कि नहीं नहीं ये ऐसे करने से भी होता था, अगर सहाबा वाली ये बात दुरुस्त होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के जाते हदीस में कि आपने सहाबा का नाम लेना और फिर दुआ करनी है। तो और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिसने रमजान की सबसे पहले खबर दी उस पर जन्नत जो है वो वाजिब हो गई तो जहन्नुम हराम हो गई, आपने सुने होंगे ऐसे मैसेजेस। तो अगर ऐसे करने से सब हो जाना था तो फिर सहाबा की जिंदगियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे पहले अंबिया कराम की जिंदगियों में इतनी तकालीफ क्यों आई, वो भी सिर्फ इतना से काम कर लेते जन्नत वाजिब हो जाती, फिर अमल की जरूरत ही ना रहती। तो ऐसे जो है बेमायनी सी बातें जब सामने आती हैं तो उसको जरूर गौर किया करें अमल से पहले कि ये रसूल अल्लाह का तरीक़ेकार था या नहीं। फिर अल्लाह ताला की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके के मुताबिक करना। इबादत की कबूलियत की 3 शराइत हैं, 3 शराइत। पहली शर्त यह है कि अल्लाह की रजा के लिए अमल किया जा रहा हो, जो भी हम अमल कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए हो। दूसरा ये कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, और तीसरा ये कि रियाकारी से पाक हो, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अल्लाह की रजा तो चाह रहे होते हैं और शायद रियाकारी से भी पाक हों, लेकिन दरमियान वाला पॉइंट हम छोड़ देते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार के मुताबिक है या नहीं। बहुत से ऐसे मनगढ़ंत इबादत के तरीके निकाल लिए हुए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलते। अगर किसी को रोका जाए, समझाया जाए, तो आगे से कहते हैं फिर क्या हुआ, इबादत ही तो है, इसमें हर्ज कहाँ है, कहाँ रोका गया है। जब रोका नहीं गया तो बता तो दिया गया है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करना है,
अगर फॉलो किए बगैर हम खुद से कोई दीन में तरीका निकालेंगे तो हमसे कबूल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, नमाज में हम हर रकत में दो सजदे करते हैं, हम तीसरा सजदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हालांकि नमाज है, सजदा करना इबादत भी है, और हम सजदा उस वक्त कर भी सिर्फ अल्लाह को रहे हैं, तो हम तीसरा सजदा क्यों नहीं करते? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो ही सजदे बताए, और उन्होंने खुद भी दो किए, दो ही उन्होंने दो की ही तालीम दी, हम तक जो तरीका पहुंचा उसमें दो ही तरीके थे, तो इसलिए हम तीसरा तरीका नहीं करते। तो ऐसे ही बाकी सारी इबादत में भी देखने की जरूरत है, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और फिर ये अकीदा रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को रोशन रास्ते पर छोड़ गए हैं, यानी इल्म का रास्ता, खैर का रास्ता, जन्नत के रास्ते पर छोड़ गए हैं। अगर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल को फॉलो करते रहते हैं तो हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमने दाएं बाएं रास्ते निकाले, शॉर्टकट इख्तियार किए, तो फिर हम पटरी से उतर जाएंगे, फिर जन्नत तक पहुंचना जाहिर बात है उतना ही दुश्वार होगा। दूसरी चीज इसमें ये आती है शहादते मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरायत क्या है? वही शरायत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत है, जो पीछे हमने पढ़ी थी, इल्म, यकीन, कबूल, इनकियाद, सिदक, इखलास, अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत, अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनका कुफर करना। तीसरी चीज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि हमें अपनी औलाद, वालिदैन, हर चीज से ज्यादा अजीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं, उतना ही हमारा ईमानी लेवल है जितना हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी। ऐसी एक बार उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हाथ में हाथ लिए जा रहे थे, और आप फरमाने लगे कि आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा अजीज हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कि नहीं, तुम्हारा अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तो आपने फरमाया, हाँ, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो ईमान की तकमील के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के रसूल को सबसे आगे रखें। चौथी चीज आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत। तो क्या अलामत है, देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उसका पहला पॉइंट क्या है? कसरत से आपका तذکرہ करना। क्योंकि अगर हम दुनियावी लिहाज से भी देखें, हमारे पूरे क्लास होती है जिसमें 25-30 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उसमें से हम एक या दो का तذکرہ अपने घर वालों से भी करते हैं, फोन पे भी उनसे रابطے में रहते हैं, तोहफे तोहफे भी देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये हमारा दोस्त है, जबकि बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तذکرہ जो है वो चंद एक का होता है, जिसको इतना हम उसका तस्करा करते हैं कि हमारे घर वालों को भी पता चल जाता है कि फलां लड़की या इस नाम की लड़की जो है वो इसकी, मेरी बेटी की, या घर वाली की दोस्त है। तो फिर जब रसूलुल्लाह से अगर हमें मोहब्बत होगी ना, तो हम भी उनका तस्करा ऐसे ही करेंगे, उनकी बार बार बातों को देखेंगे, उनके उठने बैठने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, हर मौके पर हम कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही किया करते थे, हम ऐसे करते हैं, हमें भी ऐसे करना है, मतलब हर मौके पर। फिर हमारे जहन में पूरी ऐसी जाएगी, आप कैसे करते थे, यानी उनका बार बार तस्करा किया जाए, उन पे दुरूद भेजा जाए। और दूसरी चीज क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शौक रखना। ये मोहब्बत की अलामत है कि हमारे दिल में शौक होना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह से मुलाकात कर सकें, और दुआएं करनी चाहिए कि या तो अल्लाह ताला हमें ख्वाब में मुलाकात करवा दे। हदीस में आता है कि अगर किसी ने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उसने दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्योंकि शैतान जो है वो आपसे सल्लम का हुलिया नहीं अपना सकता। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करवा दे। और दूसरा, फिर हमें जन्नत में मिलने का शौक होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे अमाल कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वालों से बुग़्ज़ रखना है, और आपसे मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत करनी है। यानी हम रसूलुल्लाह से तो मोहब्बत करते हैं, फिर जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, जैसे उलामा है, इल्म वाले हैं, उनसे मोहब्बत रखी जाए। उनसे मोहब्बत जो है हमारे रसूलुल्लाह से मोहब्बत बढ़ाने में फायदा देगी। चौथी चीज आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की पैरवी करना। और हम आपकी सीरत को जब पढ़ेंगे, आपके अखलाक के बारे में जब पढ़ेंगे, तो फिर ही हम उसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा आप वसल्लम के अखलाक क्या थे, आपका अपने मुलाजमों के साथ कैसा रवैया था, अजवाज मुतहरात के साथ कैसा था, बच्चों के साथ कैसा था। आप देखें, बच्चों के साथ जब आपने बातें पढ़ी होंगी, बाकी आप पढ़े होंगे, तो आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो उनके दिल में रसूलुल्लाह की बहुत मोहब्बत आएगी।
इस तरह से बच्चों को वाकया सुनाए जाएं कि आप सलम का बच्चों के साथ रवैया कैसा होता था। जैसे हमें हदीस में आता है कि आप हसन हुसैन के लिए घोड़े बन जाते और वो आप उनको सवार करके झूला देते। फिर ऐसे एक बार आप खुतबा दे रहे हैं, आपने हजरत हसन हुसैन को आते देखा, आपने खुतबा रोक के उन्हें उठाया और उन्हें चूमा। फिर हमें बहुत सी जगह भी मिलते हैं, फिर बाहर आप गली में गए तो बच्चे खेल रहे थे, आप उनके पास गए और आपने उन्हें सलाम बोला। यानी ये नहीं कहते थे कि बच्चे मुझे सलाम किए, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मैं बड़ा हूँ, बल्कि खुद बच्चों के पास जाते। ऐसे एक बार एक अनस के हवाले से शायद आता है कि आप गए और आपने उनकी आंखों पे हाथ रख लिया और उनने आपको पहचान लिया। तो इस तरह से बहुत से वाकयात मिलते हैं। जब आप इस तरह के वाक्य सुनाएंगे तो फिर बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा रसूल अल्लाह खेला भी करते थे, उनका बच्चों के साथ इतना प्यार भी करते थे, तो फिर वो आपकी बातों को भी सुनेंगे और बल्कि खुद कहेंगे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। तो ये चीजें बताना, इनका तذکرہ करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम रसूल अल्लाह से वाकई में सही मायनों में मोहब्बत करने वाले बन जाए। और फिर जैसे आपको दुआ सिखाई एक कि अल्लाह ताला से मोहब्बत को जो वो मांगा जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मोहब्बत का सवाल किया करते थे। और फिर इसी तरह से अल्लाह की मोहब्बत के साथ रसूल अल्लाह की मोहब्बत को भी जो है वो पढ़ा जाए, उसको भी मांगा जाए, उसके अलामात के बारे में देखा जाए, ताकि हम सही मानों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरायत है उन पे पूरा उतरे। जैसे शुरू में मैंने आपने हदीस रखी थी कि हर चाबी जो है वो ताला नहीं खोलती, चाबी के कुछ दंदाने होते हैं जिसके साथ ताला खुलता है। तो हम चाबी तो ले लें, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम उसकी शरायत पूरी नहीं करें, इसका मतलब है कि हमने चाबी के दंदाने से ही इस्तेमाल नहीं किए हुए, दंदाने नहीं है, तो वो जन्नत की चाबी कैसे खोलेगी, जन्नत का ताला वो चाबी कैसे खोलेगी। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शरायत है उनको पूरा उतरने की कोशिश करनी है। और इसके बारे में क्या आता है, अफसलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफसल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसलिए चलते फिरते इस जिक्र को भी पढ़ना है इंशाल्लाह। आज की हमारी बातचीत इतनी ही थी। आज मेरी तबीयत भी काफी खराब थी, मैंने कोशिश की कि आप तक सही तरीके से कुछ ना कुछ पहुंचा सकूं। कुछ कमी रह गई होगी तो दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब कबूल फरमाए हमारा इकट्ठे होना, अल्लाह की अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और नेक अमाल करने हमारे लिए आसान कर दें। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.